झारखंड प्रांत में कार्य कर रहे सभी एनपीएस कर्मी, चाहे वह केंद्रकर्मी, केंद्रीय कर्मी के रूप में हो या राजकर्मी के रूप में हो, किसी भी संवर्ग के हों, शिक्षक हों, पुलिस हों, कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, किसी तरह के भी कर्मचारी हों, वह एनपीएस कर्मी वह अपने आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि वह 60 साल तक जब वह कार्य करेगा तो निश्चय ही उसका आवश्यकता होगी एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए। उसके लिए आवश्यकता है कि 29 सितंबर 2019 को जो झारखंड के मोरादाबादी मैदान में रांची में आयोजित है उसमें सब कोई उपस्थित हों। और सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए इसमें सिर्फ एनपीएस कर्मी ही नहीं, वह ओपीएस कर्मी भी हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मांग है पुरानी पेंशन योजना कि आज अगर वह कोई किसान है, कोई दुकानदार है, वह कल के दिन उसके बच्चे भी नौकरी में आएंगे। और नौकरी का सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह होती है कि बुढ़ापा में उसकी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, और उससे जुड़ा हुआ होता है सामाजिक सुरक्षा। तो निश्चय ही यदि हमें ऐसा महसूस होता है तो जन आंदोलन के रूप लेकर पूरे, चाहे वह किसी भी संवर्ग, समुदाय, समाज, किसी भी धर्म के हों, या सारी बातों से ऊपर उठकर एनपीएस कर्मी यह मानकर चले कि चूंकि आपकी बुढ़ापा सुरक्षित करना है, समाज को सुरक्षित रखना है, तो निश्चय रूप से हम सब एक साथ एकजुट होकर सभी मन का किसी तरह का मनभेद को हटाकर बस हम लोग मोरादाबादी में 29 सितंबर 2019 को मोरादाबादी मैदान में रांची में अवश्य पहुँचे और अपने साथ एक एक कर्मचारी 10-10 की संख्या में, 20-20 संख्या में समेटने का कार्य करें, और तभी शायद यह सरकार, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में हो, उनकी नींद खुलेगी और हमारी ताकत का अंदाजा होगा और हमारी जो आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसके लिए विचार करेगी और हम सफल हो सकेंगे पुरानी पेंशन योजना लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। NOPS जिंदाबाद। समस्त NPS कर्मियों, भाई एवं बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपको विदित होगा 29 सितंबर 2019 को रांची के मोहराबादी मैदान में पेंशन पर संघर्ष कार्यक्रम आयोजित की गई है। मित्रों, अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष के अलावे दूसरा कोई भी रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि शांति नहीं तब तक जब तक भागना नरकासुर हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। आप जानते हैं हमें मिलने वाला पेंशन बहुत ही अल्प है, जिससे कि हमारा भविष्य खतरे में पड़ गया है। इस कारण से जब तक कि सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर देती जो एनपीएस कर्मियों को पुरानी पेंशन मिले, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मित्रों, हर हाल में 29 तारीख को प्रत्येक गांव से, कार्यालय से, प्रखंड से, जिला से निकलकर मोहराबादी मैदान में आना है। मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, कौन हमारी खैर खबर रखेगा। मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा, आप आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अनेकों होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आराम और परिणामों के संबंध सूत्र से घूमते हैं। चाहे आपका गिनती नेता के रूप में हो या ना हो, किंतु एनपीएस कर्मी के रूप में आपका योगदान सराहनीय होना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग सोचते हैं जो सबों का होगा वह मेरा होगा, वह अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे बंधु संघर्षरत हैं, दिन रात ओपीएस की चिंता करते हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, वो अपना निंद्रा, भूख, प्यास, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार को भूल रहे हैं, उनके साथ भी वो अन्याय कर रहे हैं। यह नहीं सोचना है जो कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती है, लेकिन उनके मुंह पर सीधा तमाचा मारने के लिए ही सही, अपने सोए हुए आत्मज्ञान को जगाइए और रांची के मोहराबादी मैदान में पहुँच करके आप अपना योगदान कीजिए, क्योंकि हम लोग कर्मयोगी हैं और जो कर्मयोगी होते हैं उनका एक ही ध्येय होता है, जो रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितनों ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। मित्रों, पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इसका फल
आपको चिरातन नवयौवन प्रदान करने वाला होगा। इसलिए आज कुछ दिन कुछ घंटे NMOPS के नाम कीजिए, संघर्ष के बहाली पेंशन पर संघर्ष बहाली के कार्यक्रम में रांची आइए। धन्यवाद। OPS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Yes, go back go back go back। Yes, go back go back go back। Yes, come back come back come back। OPS come back come back come back। NPS हटाओ देश बचाओ। NPS हटाओ देश बचाओ। NPS एक धोखा है धोखा है धोखा है। NPS एक धोखा है धोखा।